My dear students, as we are going to have a new schedule for SSJ interviews, as we are approaching towards 148 NDA course, so we are going to schedule it from Monday onwards, that is 20th of December. From 20th of December, we are going to have a new schedule for NDA 148 course. So let me talk about some candidates who are being trained by me, and presently they are working in armed forces as a top brass. So what are the kind of memories that I have? Or how I trained him and what were the specific qualities in them. So in the crunch of time, I would like to take a few examples only. और कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है मैं आपको उनको उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा. इवन इट इज अ काइंड ऑफ इंग्लिश प्रिविलेज ऑफ मी कि मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ बचे. सो एज यू सी दैट वेरी नाइस वेरी चार्मिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अजितेश. सो अजितेश के बारे में अगर मैं बात करूँ, ही इज अ फ्लाइंग लेफ्टिनेंट इन एयर फोर्स. तो सो ही व्हेन ही जॉइंड मी एक्चुअली ही वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग. और इसके पेरेंट्स ने आके कहा कि सर एनडीए का रिजल्ट आ गया, थोड़ा सा ये कुछ ट्रेन ऑन कर दीजिए इसको ऐसा वैसा. मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें. और मुझे याद है इसमें कि बिफोर लीविंग पटना इनके पेरेंट्स जो है सपोज ही हैज़ टू लीव टुमारो, और शाम को आया था. ये मॉर्निंग शेड्यूल होता था एसएसबी का शेड्यूल था इसमें. और इसके पेरेंट्स दोनों आए, माँ बाप आए, और कहा कि उन्होंने कि सर एज यू ट्रेन अजितेश, सो हाउ इज ही, सो व्हाट इज योर फाइनल कमेंट्स अबाउट इट. आपको जानकर आश्चर्य होगा इसमें ही वॉज सो गुड इन हिज परफॉर्मेंस एंड इवन इट वॉज ही वॉज अ सिंगल स्टूडेंट. इवन आई सेड दैट फॉर मी ही इज 100% इन. मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, इवन पेरेंट्स भी सुन रहे हैं उसमें. मेरे पास ऐसे कोई ऐसे कम ही कैंडिडेट्स होंगे जिनके जाने से पहले मैं कहूँ कि येस ही इज 100% क्लियर फ्रॉम माई साइड. इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, इतना क्लियर था. एंड अनडाउटली ही वॉज वेरी फोर्स. जब बच्चे अपने स्टोरीज आधे लिख पाते थे तब तक उसकी स्टोरीज कंप्लीट हो जाती थी, और हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी रहती थी. जो भी लिखता था प्रिसाइज फॉर्म में लिखता था, बहुत ही करेक्ट अप्रोच होता था. तो मैंने जब ये आगे मिला मेरे से, और हम आप जैसे कैडेट्स के साथ मिल के बात कर रहे थे, तो मैंने पूछा जितेश से इसमें कि जितेश की आपको ट्रेनिंग शेड्यूल में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी. मैं भी नहीं जानता हूँ कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती होगी इसमें. तो अजितेश ने कहा कि सर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है इसमें, अच्छी लगी है जो मेरे को आज भी स्ट्राइक करती है इसमें. शायद अजितेश सुन रहा होगा अभी इसमें. तो अजितेश ने कहा इसमें कि सर आप क्लास में बताते थे इसमें कि एसएसबी का एक स्पीड होता है. जैसे कि मान लीजिए एसएसबी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम भी आंसर कुछ लिख रहे हैं तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की. लेकिन अगर क्वालिटी नहीं है तो हम विदाउट क्वालिटी जाएंगे तो टीटी हमें बाहर निकाल देता है बिना टिकट के, एसएसबी हमें बाहर निकाल देता है. तो आप क्या करें कि अपनी स्पीड को 120 किलोमीटर पर आवर की करिए. इससे क्या होगा, आपको रेस्ट 20 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगी, और क्वेश्चन की नीड पहले पता चल जाएगी कि मेरे से पूछा क्यों गया, और फिर उसकी नीड को पता करके जब आंसर लिखेंगे इसमें तो आप उसकी स्पीड से मैच हो जाएंगे, और फिर ये आंसर आपका सही क्वालिटी को डिस्प्ले करेगा. बातें तो बहुत सारी होती हैं हमारे कैडेट्स के बीच में, लेकिन उसको ये वाली बात बहुत अच्छी लगी थी, और मुझे भी लगा कि इसने बहुत अच्छी बात पकड़ी है मेरे इसमें. क्योंकि अगर आपने भी ये समझ लिया इसमें कि एसएसबी है इट्स ओन स्पीड, फास्ट करना है स्पीड के साथ करना है इसमें, और आपकी स्पीड अगर उससे थोड़ी ज़्यादा तेज होगी समझने की लिखने की इसमें, तो आप जो है अपने आंसर्स को जो है पहले से ही इवेल्युएट कर पाएंगे इसमें कि मुझे कौन से डिमांड के ऊपर फोकस करना है इसमें.